अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। 4,500 करोड़ रुपए के बाइक बोट घोटाले के मास्टरमाइंड बीएन तिवारी के घर की कुर्की के बाद ईओडब्ल्यू की मेरठ इकाई ने 1,50,000 रुपए के इनामी लोकेंद्र के घर की भी कुर्की कर ली है। बुलंदशहर निवासी लोकेंद्र बाइक बोट संचालन कंपनी ग्रवित इनोवेटिव प्रमोटर्स कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत था। एक अन्य एडिशनल डायरेक्टर भूदेव के घर पर भी कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया है, लेकिन वहां पता चला कि भूदेव किराए पर रह रहा था। बीते दिवस ईओडब्ल्यू की मेरठ इकाई ने लखनऊ गोमती नगर स्थित बीएन तिवारी के घर पर स्थानीय पुलिस की मदद से कुर्की की थी। 2 साल से लगातार फरार चल रहे बीएन तिवारी, संजय भाटी की पत्नी दीप्ति बहल, लोकेंद्र वे भूदेव पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित है। गिरफ्तारी न होने पर कुर्की की यह कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि करीब 2 साल पहले ग्रवित इनोवेटिव प्रमोटर्स कंपनी ने बाइक बोट नाम से बेहद लुभावनी स्कीम लॉन्च की थी। इसमें निवेशक को करीब 61,000 रुपये कंपनी को देने थे, जिसके एवज में कंपनी ओला व उबेर की तर्ज पर बाइक सड़क पर उतारती। बदले में हर माह करीब 10,000 रुपये निवेशक को मिलने थे। ईओडब्ल्यू के अपर पुलिस अधीक्षक राम सुरेश यादव ने आज लोकेंद्र के घर के कुर्की की जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम कलाखुरी थाना जहांगीरपुर जिला बुलंदशहर निवासी लोकेंद्र कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत था। लोकेंद्र ने भोले भाले लोगों को अपनी बातों में फंसा कर करोड़ों रुपए कंपनी में जमा कराए थे। आज अपर पुलिस अधीक्षक राम सुरेश यादव के निर्देशन में निरीक्षक नीतू राणा के साथ अशोक कुमार की टीम ने लोकेंद्र के घर जाकर कुर्की की। उधर एडिशनल डायरेक्टर भूदेव पुत्र अमर सिंह निवासी वाहलिमपुरा पन्नी नगर बुलंदशहर के पते पर धारा 82 की कार्रवाई चस्पा की गई है। बताया गया कि वह यहाँ किराए पर रहता था। भूदेव भी 50,000 रुपये का इनामी है, उसकी भी धरपकड़ के प्रयास जारी है। ईओडब्ल्यू की मेरठ इकाई द्वारा किए जा रहे प्रयासों से बाइक बोट निवेशकों को उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। बता दें कि बड़ी संख्या में दादरी स्थित कंपनी के कार्यालय पर रोक धरना रहते। इस खबर में आज इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।